नमस्ते बच्चों, आज हम एक बहुत ही सुंदर ऐसी कहानी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कहानी का नाम है उपहार। उपहार यानि भेंट, हम इसे अंग्रेज़ी में गिफ्ट कहते हैं। तो इस उपहार या कहानी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। चलो तो हम शुरुआत करते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत रोशनी थी। वो उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परी ने जब ऋत्विक को यह बोला कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी और उस परीक्षा में अगर तुम उत्तीर्ण हो गए तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तो ऋत्विक ने पूछा, कौन सी परीक्षा है? परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? अगर मैंने बता दिया कि मैं क्या परीक्षा लेने वाली हूँ तो उसमें वो परीक्षा कैसे होगी? तो इसलिए परी ने ये नहीं बताया कि वो क्या परीक्षा लेने वाली है। तो चलो देखते हैं कि परी ने ऋत्विक की कौन सी परीक्षा ली। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली का मतलब होता है छोटी गठरी। पोटली का मतलब क्या होता है? छोटी गठरी। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। मखमली यानी रेशमी कपड़ा जो रहता है उससे बनी हुई वो पोटली थी, तो उसमें कोई कीमती चीज़ होगी, यह उसको ध्यान में आ गया। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। देखो, इससे हमें पता चलता है कि ऋत्विक एक प्रामाणिक लड़का था, जो अपनी चीज़ न होने के कारण वो पोटली जो है नहीं खोलता है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर यानी यात्री। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वही पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी।
किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। देखो, परी ने पहले ही ऋत्विक को बताया था कि मैं क्या परीक्षा लूँगी, ये मैं नहीं बताऊँगी। तो परी ने उसकी परीक्षा ली थी कि वो पोटली जो थी, वो पोटली रख कर, लाल रंग की पोटली, और वो उसे लौटाता है कि नहीं, ये वो देखना चाहती थी। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी, उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। हैरान का मतलब होता है चकित होना। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी, परी ने कहा। कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मन चाही वस्तु मिलेगी। तो उस पोटली में क्या होगा बच्चों? ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। वो बहुत खुश हो गया, खुशी से उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना इसका मतलब होता है आंखों में आंसू आना। आंखें भर आना एक मुहावरा है। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय यानी उसको हम इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई, यानी वो सो गया। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। पुस्तक भंडार यानी जहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें होती है। इस तरह ये जो ऋत्विक है, जो बहुत ही प्रामाणिक लड़का था, उसको परी ने गिफ्ट उपहार के स्वरूप में वो जो लाल थैली दी थी, उस लाल थैली में क्या था, बहुत सारी किताबें थी। और उन किताबों का उसने क्या किया, तो एक पुस्तकालय खोला और वहाँ पे उसके मित्र आकर अपनी मनपसंद किताबें रोज़ पढ़ते थे। तो इस प्रकार हमने यह उपहार, यह कहानी देखी। बहुत ही सुंदर कहानी थी जिसमें ये ऋत्विक जो प्रामाणिक लड़का था, उसे पुस्तकें पढ़ने की बहुत ही रुचि थी, पुस्तकें पढ़ना पसंद था। तो उसे उपहार में क्या मिला, पुस्तकें ही मिली। इस तरह हमने ये पाठ देखा है। धन्यवाद।